लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे वाह, तुम तो जीत गई, वेरी गुड। और एक गेम? मेरे पापा का। तुम अगर अगली तो गेम जीत गई ना, तो हम उनको बुला लेंगे, ठीक है? मोहम्मद रसूलल्लाह, मोहम्मद रसूलल्लाह। तेरा नाम क्या है? फारूख। फारूख, तेरा पूरा नाम क्या है? फारूख अली खान। फारूख अली खान कहाँ काम करता है? एसी रिपेयरिंग, एक क्लास सर्विस टोटोडोर, एक क्लास सर्विस टोटोडोर। तेरे हैंडलर का नाम क्या है? क्या हुआ फारूख? उसका नाम बताना मना है। किसका नाम लेना मना है? रफीक भाई का। रफीक भाई का पूरा नाम क्या है? रफीक मोहम्मद गाने। एक काम करते हैं, कुछ और खेलते हैं। ये गेम बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन होगा, उसका जवाब मैं दूंगी और फिर तुम दोगे, ओके? जैसे ये बैग मुझे मेरी खाला ने दिया है, और ये पापा को उनके दोस्त ने दिया था। वेरी गुड, ये बैग मेरी खाला ने मुझे पिछले साल दिया था घर पे। ये बैग पापा को उनके दोस्त ने कल मेले के बाजू में दिया। वेरी गुड, ये मेरी खाला है। फारूख, तेरा टारगेट क्या है? अब तक बताया नहीं। तेरे जैसे और कितने बॉम्बर्स हैं? पता नहीं। रफीक रहता कहाँ है? किसी को नहीं पता। काम कहाँ करता है? ग्रांट रोड कारखाना। ग्रांट रोड कारखाना कारखाना। हेलो बेटा, संभल गया दीवान साहब? संभाल लीजिए, ऐसे ही रौनक हनीफ बन जाते हैं। याद आ गया तुझे, या कभी भूला ही नहीं था? भूल तो आप गए दीवान साहब, इसलिए सोचा याद करवा दूं। क्या 24 बॉम्ब जो तेरे साथ जुड़े हुए हैं? बस अब मेरा एक सवाल, उस रात आपने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या शिवड़ी चाल 2002 आपने फोन क्यों नहीं उठाया? डॉक्टर साहब। मिस्टर दीवान, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए।
कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। दोनों ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। तू ऐसा कर, ये रीडायल के बटन दबाता रहा, ठीक है? कोई आए नहीं आए, दीवान साहब बेटा जरूर आएंगे, ठीक है? तू दबाता रहा, मैं आता हूँ अभी। आधे घंटे तक कोई नहीं आया, सब खत्म हो गया और आपने फोन भी नहीं उठाया। उस वक्त फोन मेरे पास नहीं था। पता है, पता है, क्योंकि जहां आपका घर आबाद हो रहा था वहां हमारे जल रहे थे और आपकी पुलिस उसी आग में हाथ सेकती रही। तेरी लड़ाई मुझसे है, आकर मुझसे लड़। मासूम से बदला क्यों ले रहा है? मासूम तो मेरे अब्बू भी थे, पुलिस के लिए आपके लिए इन्फॉर्म करते थे और आपने उन्हीं का घर जलने दिया। लेकिन अब सिस्टम जलेगा। 30 साल से मैं सिस्टम और तुझ जैसों से बैठ रहा हूं और आज भी खड़ा हूं। तो फिर आज मैं आपको घुटने टेकना सिखा दूंगा। अल्लाह हाफिज। सर सिग्नल हर जगह से बाउंस हो रहा है, पता नहीं फोन कहां से आया। बॉम्ब एक्टिवेट हुआ है, मतलब हनीफ अपने बॉम्ब का सिग्नल टेस्ट कर रहा है। जी सर। मोहित, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पकड़ो, क्विक। यस सर। Now we are safe. सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट हो चुके हैं, सबको उनकी ट्रेन टिकट भी भेज दी गई है, सिवाय इसके 18 नंबर स्लीपर सेल, इसका बॉम्ब एक्टिवेट नहीं हो रहा। फारूक अली पुलिस की गिरफ्त में है, हो सकता है पुलिस ने इसका बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया हो। प्लान की इंफॉर्मेशन? नहीं, कुछ नहीं होगा, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका हैंडलर रफीक वो काफी कुछ जानता है। अगर पुलिस उस तक पहुंच गई तो आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। तो फिर आज रात 12 बजे 24 ट्रेनों के धमाके के साथ हिंदुस्तान एक नए हकीकत से वाकिफ होगा। इंशाल्लाह। काश कि हम एक आखिरी बार बाजमात नमाज अदा कर पाते। अब मैं जन्नतुल फिरदौस में अदा करूंगा। नसर मिन अल्लाह व फतहुन करीब, जा मेरे बच्चे, फी अमान अल्लाह। या हरीश, फारूक का बॉम्ब हमने डिफ्यूज कर दिया है और हनीफ के बॉम्ब का सिग्नल भी पकड़ लिया सर। बस हनीफ का ऑपरेशन बेस में रहना बहुत जरूरी है। वहीं से हम उसके सिग्नल को जैम कर सकते हैं सर। अब हम सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हैं।
ओके हरीश, वेल डन। रफीक, आप कौन मियां? बशीर भाईजान ने भेजा है। बशीर भाई ने भेजा? बात कराओ मेरी बशीर भाई से। वक्त है हमारे पास, फारूक अली को पुलिस ने पकड़ लिया है, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा। फारूक को पुलिस ने पकड़ लिया? बैग है। कब पकड़ो उसे? पता नहीं, बस हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। ये रखो, ये लो। शिट, हनीफ। रफीक, मैग्नम टूर्स और ट्रैवल्स, ये तो रफीक हनी की टिकट्स है, रत्नागिरी से मुंबई। मैग्नम, मैग्नम टूर्स और ट्रैवल्स, ये नाम तेरे को मालूम है ना? हाँ, वो सॉल्पैन में जो गाड़ी मिली थी टेरेस की, वो इसी नाम पे रजिस्टर्ड थी। ये सब सर को दे, देख के आता हूँ मैं।